डीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं दीपिका साहू आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ क्लास 10th लेसन 1 अ लेटर टू गॉड जीएल फ्लुएंट्स की। ये स्टोरी है पूरी और ये स्टोरी लिखी गई है, इसका मेन कैरेक्टर है लेंचो जो कि फार्मर होता है। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं तो आपको पूरा बेसिक समझ में आ जाएगा। जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जिससे आपको मिलेगी और बेहतर क्वालिटी की वीडियो और हमें मिलेगा हौसला। आगे देखते हैं पूरी स्टोरी को। पढ़ने से पहले आप ये चीज़ ज़रूर रीड कीजिएगा, इसमें बताया है कि दे से फेथ कैन मूव माउंटेंस और वे कहते हैं कि विश्वास से चट्टानों को भी हिलाया जा सकता है। माउंटेंस मतलब चट्टाने पहाड़ें होती हैं, मूव मतलब हिलाना और दे यहाँ पर इंडिकेट किया गया है पीपल के लिए कि लोग कहते हैं कि भरोसे से फेथ से विश्वास से पहाड़ों को भी हिलाया जा सकता है, पर्वतों को भी हिलाया जा सकता है ना। व्हाट आगे देखिएगा व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन, लेकिन हमें हमारा विश्वास कहाँ रखना चाहिए, बताइए किस पे करना चाहिए हमें विश्वास। दिस इज़ द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेडिकेटली पोजेस, और यही वो क्वेश्चन है जो ये स्टोरी बहुत ही नम्रता से बहुत ही अच्छे से प्रदर्शित करती है इस स्टोरी में, ठीक है। लेंचो इज़ अ फार्मर, मैंने बताया ना द मेन कैरेक्टर इज स्टोरी इज़ लेंचो, लेंचो ही इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है। और लेंचो क्या है, एक फार्मर है, एक किसान है, और किसान तो हमारे देश के बहुत मेहनत करते हैं। हु राइट्स अ लेटर टू गॉड, और वो क्या करता है, जो भगवान को पत्र लिखता है। व्हेन हिज क्रॉप्स आर रेंट, उसकी जो फसल है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाती है, जब वह क्या करता है पत्र लिखता है। किसको पत्र लिखता है, गॉड को, भगवान को। क्रॉप्स मतलब होता है फसल, और ये लिखा है ना रंड, इसको रूंड भी बोल सकते हैं रंड, तो इसको क्या इसका मतलब है नष्ट हो जाना। आस्किंग फॉर अ 100 पीसोस, किसके लिए 100 पीसोस मांगने के लिए क्या करता है वो लेटर लिखता है गॉड को। डज लेंचोज लेटर रीच गॉड, बताइए आपको क्या लगता है लेंचो का गॉड को जो उसने लेटर लिखा है क्या वो गॉड तक पहुंच पाएगा। डज गॉड सेंड हिम द मनी, और क्या उसको पैसे भेजेंगे भगवान। थिंक वॉट यू आंसर टू दिस क्वेश्चंस वुड बी एंड गैस हाउ टू द स्टोरी कंटिन्यू बिफोर बिगेन टू रीड इट, और सोचिए कि इसका आंसर क्या होगा, इन सभी जो सवाल मैंने आपसे पूछे हैं उनका आंसर क्या होगा, और गैस कीजिए कि जो स्टोरी है वो आगे कैसे कंटिन्यू होगी, जारी रहेगी। इस बिफोर यू बिगेन टू रीड इट, इस पोयम सॉरी इस स्टोरी को रीड करने से पहले इन आंसरों को सोचिए, गैस कीजिए कि क्या होने वाला है स्टोरी में, कैसी जारी रहेगी, और कैसे कोई गॉड को लेटर लिख सकता है। क्या आपने कभी गॉड को लेटर लिखा है। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं, आप बोर मत होइए, बहुत ही थोड़ी सी लॉन्ग स्टोरी है बट स्टोरी बहुत ही मतलब बहुत ही इमोशनल है और फेथ पर है, फेथ पर ही ये पूरा बेस्ड है कि क्या हम लोगों को भगवान पर विश्वास करना चाहिए, क्या भगवान होते हैं, और जो लेंचो का फेथ है वो कहाँ लेकर जाएगा उसको। लेट्स स्टार्ट करते हैं। वन ऑफ दीज चीपेस्ट वे टू सेंड मनी टू समवन इज थ्रू द पोस्ट ऑफिस, सबसे चीपेस्ट वे होता है, सबसे मतलब नीचे लेवल का जो वे होता है रास्ता होता है, टू सेंड मनी मतलब पैसा भेजना टू समवन इज थ्रू पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस सबसे चीपेस्ट वे होता है पैसे भेजने का, मतलब माध्यम होता है। हैव यू एवर सेंट टू रिसीव्ड मनी इन दिस वे, कभी भी आपने सेंट या रिसीव्ड, सेंट मतलब भेजना, रिसीव्ड मतलब कि
प्राप्त करना, कभी भी आपने इन दोनों तरीके से मतलब किसी को पैसे भेजे हैं या पैसे प्राप्त किए हैं कभी भी पोस्ट ऑफिस से? हम लोग तो आजकल की दुनिया में क्या चल रहा है, यूपीआई के माध्यम से, फ़ोन पे, गूगल पे के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, पैसे सेंड कर देते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। तो कभी आपने ऐसा किया है बताइए? हेयर व्हाट्स यू हैव टू डू, और यहाँ पर आप क्या करेंगे? एज यू रीड द इंस्ट्रक्शन डिस्कस विथ योर टीचर्स इन क्लास द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स, आपको क्या करना है, डिस्कस करना है आपकी टीचर्स से क्या ये जो शब्द आपको इस स्टोरी में दिए गए ना, काउंटर, काउंटर क्लैक, एप्रोप्रिएटेड एक्नॉलेजमेंट, और ये क्या लिखा है, काउंटर फॉइल लिखा है, या इस पर लाइन फिर भी है तो इसकी वजह से दिख नहीं रहा है रिकॉर्ड। तो काउंटर मतलब क्या होता है? काउंटर जो किसी भी दुकान पे या पोस्ट ऑफिस में बना होता है काउंटर। क्लियर कौन होता है, जो उस पर बैठे रहते हैं। एप्रोप्रिएट मतलब उपयुक्त। तो बस आपको क्या करना है, आपकी टीचर से सलाह लेनी हो, इन सभी टॉपिक पर बात करनी है। और ये भी बहुत ही बकवास चीज़ है, इसमें आपको बताया जाएगा कि कैसे आप पोस्ट ऑफिस के माध्यम से मनी ऑर्डर कर सकते हैं, मतलब कि मनी को भेज सकते हैं, सेंड कर सकते हैं या रिसीव्ड कर सकते हैं। तो ये पूरा है, और ये उन लोगों ने क्या दे रखा है, वो जो पेपर आता है ना, तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ये आप पोस्ट ऑफिस पे जाएंगे ना, तो अगर आप बोलेंगे कि भाई हमको भी मनी ऑर्डर करना है, पैसे सेंड करना है या रिसीव्ड करना है, तो वो यही पेपर वर्क देते हैं, इसको फिल करना रहता है और देन आप सेंड कर सकते हैं आपके पैसे। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, अपन स्टोरी पे ध्यान देते हैं क्योंकि स्टोरी बहुत बड़ी है, ठीक है। और ये पूरे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं आपको, और स्टोरी स्टार्ट होती है आपकी कहाँ से, यहाँ से, ठीक है। द हाउस से आपकी फर्स्ट स्टार्टिंग होती है इस स्टोरी की, और वो सब चीज़ें बस आपको ये बताया कि मनी ऑर्डर कैसे करते हैं, मतलब कि पैसे कैसे सेंड करते हैं और कैसे रिसीव करने, दैट्स इट। बाकी स्टोरी बेस्ड यहीं से है और मेन कैरेक्टर है अपना लेंचो, ठीक है। द हाउस घर होता है, द ओनली वन इन द इंटायर वैली सेट ऑन द क्रिस्ट ऑफ अ लो हिल। तो द ओनली वन इन द एंटायर वैली, ये जो एक मतलब बात हो रही है ना जिस घर की, वो एकमात्र घर है एंटायर वैली में। वैली मतलब होता है घाटी, एंटायर वैली में एक पूरी जो घाटी है उसमें एक घर है, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। ये कहाँ पर है? क्रेस्ट मतलब यहाँ पर आपको बताया गया है कि टॉप ऑफ अ हिल, मतलब जो चट्टान या फिर पहाड़ी की हील है ना, चोटी है ना, उसके सबसे ऊपर भाग को टॉप ऑफ अ हिल मतलब सबसे ऊपरी भाग को बोला जाता है क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। सेट ऑन मतलब कि उस पर है होना, घर होना। घर के बारे में बताया कि ये घर कहाँ है, ये जो ऑफ अ लो हिल मतलब जो पहाड़ी है ना उसके सबसे ऊपरी हिस्से पर ये घर बना हुआ है। एंड फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ रिप कॉर्न, और इस ऊंचाई से आप एकमात्र नदी भी देख सकते हैं और जो खेती है वो आप देख सकते हैं। डॉटेड विद द फ्लावर्स, जो भरी हुई है फ्लावर्स से, फूलों से, दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, और यह आपको प्रोमिस करती है, वादा करती है एक अच्छी तैयार की गई फसल का। हार्वेस्ट मतलब भी फसल ही होता है, लेकिन और जो फील्ड मतलब होता है वो खेत होता है। हार्वेस्ट मतलब कौन सी फसल होता है, हार्वेस्ट मतलब होता है तैयार की गई फसल, ऑलमोस्ट जो कटने वाली होती है उसको हार्वेस्ट वाली फसल होती है, मतलब हार्वेस्ट बोलते हैं उसको, और जो क्रॉप होता है वो फसल ही होता है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउन पुअर, और एकमात्र चीज़ द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, जो पृथ्वी को ज़रूरत थी वो क्या थी, डाउन पुअर, एक वर्षा की, और एट लीस्ट अ सावर, या फिर एक छोटी सी वर्षा की, या फिर एक छोटी सी झलक वर्षा की, है ना, पृथ्वी के इस टाइम पर सिर्फ एक वर्षा या फिर एक छोटी सी वर्षा की झलक, सावर मतलब थोड़ी सी वर्षा की झलक की आवश्यकता थी। थ्रो आउट द मॉर्निंग लेंचोस,
थ्रू आउट मतलब लगातार या सर्वत्र होता है, और ये सब बात करने के बाद लगातार द मॉर्निंग लेंचोस और सुबह में लेंचो जो होता है, सुबह की बात होती है, लेंचो हु न्यू हिज फील्ड यहाँ तक हो गया, हिज फील्ड इंटीमेटली हैड डन नथिंग एल्स, मतलब जो बहुत अच्छे से जानता था कि उसकी जो खेत हैं वो पूरी तरह से पूर्ण हो चुके हैं, मतलब उसकी खेती जो है, मतलब जो फसल है वो पूरी तरह से तैयार हो चुकी है, नथिंग एल्स वट सी द स्काई, और उसे और कुछ नहीं चाहिए है, वट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, और वो क्या करता है, ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ क्या करता है, आसमान की तरफ देखता है उत्तर पूर्व की दिशा में, ठीक है। एंड नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, और अब हमें सचमुच पानी की आवश्यकता है, कुछ बारिश की आवश्यकता है। वूमेन, वो किसी औरत या महिला से ऐसा बोलता है कि नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, अब हमें वाकई में बारिश की आवश्यकता है, पानी की आवश्यकता है। द वूमेन हु वाज प्रिपेयरिंग शपर, और जो औरत, जो महिला थी जो क्या तैयार कर रही थी, रात के भोजन की तैयारी कर रही थी, रिप्लाइड यस गॉड विलिंग, और वो बोलती है, रिप्लाई करती है, उत्तर देती है उसका कि हाँ भगवान चाहें तो। द ओल्डर बॉय वर वर्किंग इन द फील्ड, और जो लड़के थे, बड़े लड़के थे, वो क्या कर रहे थे, खेती पर, खेत में काम कर रहे थे। While the smaller ones, जबकि the smaller ones जो छोटे बच्चे थे, were playing near the house, और जबकि जो छोटे बच्चे थे वो घर के पास खेल रहे थे, playing near, until the woman called to them all, जब तक जो महिला है वो, जो औरत थी वो, उनको बुला नहीं लेती है, तब तक वह क्या कर रहे थे, खेल रहे थे घर के पास। कम लेंचो हैड, कम के बाद होता है फिर डिनर, कम फॉर डिनर, और वो जो महिला होती है उनको खाने के लिए बुला लेती है, रात के खाने के लिए। इट वाज ड्यूरिंग द मील दैट, और ये जो समय था क्या काय का था, भोजन करने का था, मील मतलब भोजन होता है। जस्ट एज, आगे क्या होता है, जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिकेटेड, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर आपको दिख रहा हो तो मैंने पेंसिल से पहले लिखा था भविष्यवाणी, जैसे कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, मतलब वो सोच रहा था। विग ड्रॉप्स ऑफ रेन विगेन टू फॉल, और क्या हुआ, बड़ी बड़ी बूंदें, मतलब वर्षा की स्टार्ट हो चुकी थी गिरना, फॉल मतलब गिरना, विगेन मतलब शुरुआत। इन द नॉर्थ ईस्ट, और क्या, नॉर्थ ईस्ट मतलब कि उत्तर पूर्व में बरसात स्टार्ट हो चुकी, मतलब पानी की बूंदें गिरना स्टार्ट हो चुकी है। माउंटेन्स ऑफ क्लाउड, हग मतलब विशाल या फिर बड़ा होता है, तो जो हग माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग मतलब होता है ठीक तरीके से, और हग माउंटेन्स मतलब विशाल चट्टाने के ऊपर जो क्लाउड्स थे, बादल थे, कैसे दिख रहे थे, बहुत विशाल दिख रहे थे, बहुत ही अच्छी तरीके से, मतलब बरसात स्टार्ट हो चुकी थी। एंड द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, और जो हवा थी वहाँ की वो बहुत ज़्यादा ताज़ी थी और स्वीट मतलब मधुर थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर्स रीज़न, और वो व्यक्ति जो फॉर नो रीज़न देन टू हैव, यहाँ रुकी, द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न, और जो व्यक्ति, जो आदमी था वो बाहर गया था बिना किसी कारण के, टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, वो और किसी रीज़न के लिए नहीं, वो किस लिए गया था, कि वह आनंद ले सके, वह फील कर सके, आनंद ले सके उसकी बॉडी पे, जो मतलब बरसात होगी ना, जो बूंदें गिरेंगी उसकी, और किसी रीज़न से वह बाहर नहीं गया था, उसका यही एकमात्र रीज़न था, एकमात्र कारण था। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड,
और जब वह वापस आया था ही एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड मतलब होता है कोई भी भावनाओं से भरा हुआ जोर से जब बात बोलता है ना तो उसको एक्सक्लेम्ड बोला जाता है। दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, वो बहुत ही मतलब खुशी से भरा हुआ है उसका दिल जो मन है तो, और वह ज़ोर से चिल्ला के बोलता है कि ये बरसात की बूंदें नहीं हैं जो आसमान से गिर रही हैं, दे आर अ न्यू कॉइन, और यह ये जो गिर रहे हैं वे क्या हैं, कॉइन्स हैं, सिक्के हैं, द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, और जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट पीसेस हैं मतलब 10 सेंट पीसेस हैं, एंड द लिटिल वंस और जो छोटी छोटी हैं आर 5 वो 5 सेंट पीसेस हैं, विथ अ सेटिफाइज एक्सप्रेशन और बहुत संतुष्ट की मतलब संतुष्टता से वो एक्सप्रेशन देता है। ही रिगार्डेड द फील्ड, रिगार्डेड मतलब माना कि या फिर उसको ऐसा लग रहा था, ही रिगार्डेड उसे ऐसा लगा कि द फील्ड ऑफ रिफ कॉर्न with its flowers, जो खेती है पके हुए मक्के की वो, और मतलब उस पर जो फ्लावर्स हैं फूल हैं उसको ऐसा लग रहा था कि ड्रेप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन, ये क्या है, ये जो है मतलब कपड़े, कॉटन मतलब होता है पर्दा या फिर कपड़ा, ड्रेप्ड मतलब ढका हुआ, ऐसा लग रहा था कि मानो बरसात से ढके हुए मतलब बरसात में ढके हुए पर्दे के समान लग रहा था उसको, क्या रिप कॉर्न मतलब, बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग वाइड बिगेन टू ब्लो, और अचानक से क्या हुआ, एक तेज हवा, स्ट्रॉन्ग वाइंड मतलब बहुत तेज हवा की बात हो रही, विगेन मतलब स्टार्ट, टू ब्लो मतलब बहना, तो एक तेज हवा अचानक से बहने लगी, स्टार्ट हो गई, अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन विगेन, और क्या हुआ उसके साथ साथ जो रेन थी वो बहुत ज़्यादा वेरी लार्ज हेल स्टोन विगेन, और मतलब बड़े बड़े ओले विगेन टू फॉल, और बड़े बड़े ओले गिरना स्टार्ट हो गया, प्रारंभ हो गया। दिस ट्रूली डिड रिसेम्बल न्यू सिल्वर कॉइन, और मानो कि यह सचमुच यह सिल्वर मतलब चांदी के सिक्के के समान थी, ट्रूली, और यहाँ पर मैंने एक वर्ड और बोला था आप लोगों से, अगर आपने ध्यान से सुना है ट्रूली और एक वर्ड और ऊपर मैंने बोला था, तो ये एक दोनों के सिम, एंड द वॉयज एक्सपोजिंग देम सेल्फ टू द रेन, और वो जो लड़के थे जो फील्ड में काम कर रहे थे और उनको अवसर मिल गया था बरसात में जाने का, एंड इसके बाद रन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पियर्ल, जो फ्रोजन पियर्ल है इसका मतलब होता है मोती, जो रन आउट था मतलब जो मोती गिर रहे थे, मतलब कि कुल मिलाकर यहाँ पर सिर्फ एक ही बात हो रही है, हेल्थ स्टोन मतलब ओले को कलेक्ट करने का, और अपने आप को अवसर मिल गया था रन में जाने का बस। हाँ, इट्स रियली और ट्रूली एक दूसरे के सिमिलर वर्ड्स हैं। इट्स रियली गेटिंग वेट नाउ, और यहाँ पर अब बहुत बुरा हो रहा था, एक्सक्लेम्ड यहाँ पर भी एक्सक्लेम्ड मतलब चिल्ला चिल्ला कर या ज़ोर से बोलना, लेकिन एक्सक्लेम्ड मतलब भावनाओं से भरा हुआ होता है, और इस बार जो भावनाओं से भरा हुआ है वो दुख से है, पहले वो खुशी से था लेकिन अब वह दुख में है। द मैन जो व्यक्ति था, आई होप इट्स पासेस क्विकली, और वह बोलता है कि यार मैं आशा करता हूँ कि ये जल्दी से जल्दी गुजर जाए, ये जो वक्त है वो जल्दी से जल्दी गुजर जाए। बट इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन वह जल्दी से नहीं गुजरा। फॉर एन आवर द हेल रेंड, और जो ओले थे हेल थे वो घर पर, रेन ऑन द हाउस घर पर, द गार्डन बगीचे पर, द हिल साइड पहाड़ियों पर, द कॉर्न फील्ड जो मक्के की खेती थी उस पर, ऑन द होल वैली और पूरी घाटी पर, ये जो ओले थे वो गिर रहे थे। द फील्ड वाज, और जो खेती थी, वाज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, और जो खेती थी वो पूरी तरह से सफ़ेद हो चुका था, मतलब जो खेत था जो कॉर्न फील्ड था वो पूरी तरह से सफ़ेद हो चुका था, मानो कि सॉल्ट नमक से। माइंडेड
ऑन द ट्रीज़, मतलब कि जो पत्तियाँ थी, इनफैक्ट वो भी नहीं बची थी पेड़ों पर। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉय, और जो मक्के थे वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नष्ट हो चुके। द फ्लावर वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और जो पुष्प थे वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, वो जो प्लांट्स थे मतलब जो पौधे थे उन पर से जा चुके थे, मतलब गिर चुके थे। जो लेंचो सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, और जो लेंचो की आत्मा थी वो पूरी तरह से निराश हो चुकी थी और दुख के साथ मतलब भरा चुकी थी। व्हेन द स्टॉर्म वाज स्टॉर्म हैड पास्ड, स्टॉर्म मतलब तूफान होता है, तो जो तूफान गुजर चुका था, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, और वो कहाँ खड़ा हो गया, उसकी मतलब खेती के बीचों बीच खड़ा हो गया था जब जो स्ट्रॉम था, जो तूफान था, जा चुका था। सेड टू हिज सन्स, और वो अपने पुत्रों से बोलता है, अ प्लग ऑफ लोकट्स वुड, ये अ प्लग ऑफ लोकट्स, यहाँ पर ये लोकट्स मतलब एक टिड्डियों का झुंड होता है जिसको, तो वो बोलता है कि जो इससे तो अच्छा होता कि टिड्डियों का झुंड मतलब खा जाता तो वो डिस्ट्रॉय करते, तो ये उससे बेटर होता कि वो लोग कम डिस्ट्रॉय करते, इसने ज़्यादा कर दिया। आगे देखेंगे इस स्टोरी। हैव लेफ्ट मोर देन दिस, मतलब यो जो टिड्डियों का झुंड रहता है वो जब क्रॉप्स को, उस फसल को डिस्ट्रॉय करता है तो वो इससे अच्छा ही होता, वो बोलता है। द फेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, और जो फेल थे मतलब हेल थे, आई एम सॉरी फेल बोल रही हूँ, हेल थे मतलब, हेल मतलब होता है जो ओले थे, उन्होंने कुछ नहीं बचने दिया है। देयर इज़ नथिंग, दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, और इस साल हमें मतलब जो कॉर्न है मतलब कि जो मक्के हैं कुछ नहीं मिलेगा। दैट नाइट वाज सोरफुल वन, और वो एक जो रात थी वो बहुत ज़्यादा दुख से भरी हुई थी क्योंकि उनका कुछ नहीं बचा था। और जो एक बात आपको बता दूं कि जो फार्मर होते हैं उनका पूरा जो आश्रय होता है वो फार्मिंग पे ही होता है, उनकी फसल पे ही होता है, और वो फसल नहीं बचेगी तो आई होप कि आप लोग समझ सकते हैं, जो भी फार्मर्स सन और डॉटर्स हैं वो लोग, फार्मर्स स्टूडेंट्स हैं वो समझ सकते हैं। ऑल अवर वर्क फॉर नथिंग, और जो भी हमारा कार्ड था उसमें से कुछ नहीं बचा, जो भी हमने एक साल में जो मेहनत की थी। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, और यहाँ पर कोई नहीं है जो हमारी सहायता कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, और हम सब भूखे रहने वाले हैं इस साल। तो ये था अ लेटर टू गॉड का फर्स्ट पार्ट है। इसका सेकेंड पार्ट आप डिस्क्रिप्शन में देखिए मिल जाएगा, और नहीं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, चैनल पे जाइए मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, और जो भी बच्चे अपने माध्यम से किसी और का फ़ायदा कराने चाहते हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे उनको भी ये समझ में आ सके। और ये मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी होगी, और भी कोई गलती होगी तो आई फील वेरी सॉरी टू यू, और थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्राइबेशन आपको और अच्छी बेहतर की क्वालिटी वाली वीडियोस मिलेगी आपको उससे, और हमें थोड़ा सा हौसला मिल जाएगा।